हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, ये वीडियो सिक्योरिटी से रिलेटेड होने वाली है आपके लिए। आपको किस तरीके से अपना पीसी जो है सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है मालवेयर, ट्रोजन या फिर हैकिंग से, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काफ़ी अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं अगर आप अपना सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे हैकिंग्स, फिशिंग वगैरह होती रहती है। तो किस तरीके से आपको दोस्तों अपना सिस्टम प्रोटेक्टेड रखना है, पहले स्टेप में दोस्तों हमने जो एंटीवायरस है, जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, मैं विंडो डिफेंडर का इनबिल्ट फीचर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। तो किस तरीके से आपको ऑन रखना है, उसको किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए आपको बाद स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, आपको सेटिंग पर जाना है, आपको उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जाना है। यहाँ पर देन उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा विंडोज सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना आपको। उसके बाद दोस्तों आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग, इस पर क्लिक करना है, और आपको मेक श्योर करना है कि ये ऑन रहे यहाँ से सारे। कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे हम कोई क्रैक वर्जन वगैरह यूज करते हैं तो इसको ऑफ करना पड़ता है उस केस में, तो हम भूल जाते हैं दोस्तों उसको बाद में ऑन करना। तो अगर आपका सिस्टम यहाँ से ऑन नहीं है रियल टाइम प्रोटेक्शन, तो कोई भी उसको हैक कर सकता है, जल्दी से उसमें एंटर कर सकता है। तो आपको इसको ऑल द टाइम्स उसको ऑन करके रखना है। और एक और चीज़ करनी है आपको, हफ्ते में एक बार आपको क्विक स्कैन परफॉर्म करना है। ये वाला स्टेप हफ्ते में एक बार आपको जरूर ट्राई करना है, क्योंकि जो भी आपका सिस्टम हैक करता है तो उसके आपके सिस्टम के अंदर वो फाइल्स और पैचेस बनाता है, तो ये जो फाइल एंड पैचेस है इसको डिलीट कर देगा क्विक स्कैन ये। इसके अलावा आपको महीने में एक बार ये वाला ट्राई करना है, स्कैन ऑप्शंस पे जाके फुल स्कैन्स। तो जैसे आप फुल स्कैन करेंगे, ये आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स होंगी, जितने भी हार्ड डिस्क होंगे, सबको स्कैन करेगा और आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रैफिक बाहर से आता है, जो भी अंदर से जाता है आपके सिस्टम से, तो उसको मैनेज करता है। तो मेक श्योर करिए, अगर आप सिस्टम किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो डोमेन वाला ये भी ऑन रहे यहाँ से, आपका प्राइवेट नेटवर्क जो है ये भी ऑन होना चाहिए, और ये पब्लिक जो नेटवर्क है ये भी ऑन होना चाहिए। सारे जो नेटवर्क ट्रैफिक जाता है दोस्तों इसी के द्वारा जाता है, तो ये मेक श्योर करिए कि ऑन होना चाहिए यहाँ से, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड होगा यहाँ से, और जो भी डेटा अंदर आएगा ये उसको फिल्टर कर देगा यहाँ से और उसको अंदर नहीं आने देगा। दो सेटिंग मैंने आपको बता दी यहाँ से। तीसरा में दोस्तों आपको रेगुलर यहाँ पर अपना जो ब्राउजर की हिस्ट्री है उसको डिलीट करते रहना है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो है दोस्तों बाय डिफॉल्ट सिस्टम कैसे जमा होता है उसके अंदर, तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ से आप हिस्ट्री को डिलीट करते रहें यहाँ से, और कोई भी पासवर्ड आपको सेव नहीं करना है अपने ब्राउजर में, क्योंकि अगर आप ब्राउजर में पासवर्ड सेव कर देंगे तो कोई भी उसका यूज कर सकता है। और जब भी दोस्तों आप ब्राउजर में लॉग इन वगैरह करेंगे तो आप लॉग आउट करके ही उसमें जाना है, और कोई सा भी आपको टोरेंट या क्रैक वर्जन यूज नहीं करना है, फ्री के चक्कर में आपका सिस्टम हैक हो सकता है। कोई भी लिंक आपको मेल या फिर कहीं भी दिखे, आपको उसको क्लिक नहीं करना है, उससे दोस्तों आपका सिस्टम हैक हो सकता है और आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है आपका सिस्टम। तीसरा दोस्तों आपको क्या ट्राई करना है, जो भी पासवर्ड आप यूज कर रहे होंगे जीमेल का या किसी और जगह पर, तो आपको उसको यूनिक करके रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करना है, और टू स्टेप्स वेरिफिकेशन जो होती है उसको आपको हमेशा ऑन करके रखनी है, जो गूगल की तरफ से आती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं हैकिंग से। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने की या रिप्लाई करने की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।